दोस्तों लॉन्च हो गया है चार्ट आईक्यू 8 के नए फीचर्स जो आपको बहुत जबरदस्त हेल्प कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर और टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करते हैं तो जबरदस्त बेनिफिट आपको दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही जानेंगे कैसे फीचर्स है, कैसे देख सकते हैं, कैसे चार्ट के अंदर लगेंगे, ये पूरी डिटेल वीडियो आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत करते हैं और जानते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले हमें जानना है कि फीचर्स मिलेंगे कहाँ। फिलहाल दोस्तों ये फीचर्स अवेलेबल है काइट वेब के अंदर। आप जो स्क्रीन देख रहे हैं ये काइट वेब की स्क्रीन है। आप जब इंटरनेट पे जाके ब्राउजर में जाके काइट को लॉग इन करते हैं वहां ये सारे फीचर्स आप यूज कर पाएंगे। फिलहाल मोबाइल ऐप में अभी नहीं आया लेकिन बहुत जल्द आने वाले हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए प्रोफाइल में जाना है। जैसे मैं जा रहा हूँ प्रोफाइल में और माय प्रोफाइल में जाने के बाद देखिए आपको नीचे आप जाएंगे तो सेटिंग्स में देखिए आपको चार्ट्स दिख रहा होगा। चार्ट्स में आपको बहुत सारे फीचर्स दिखते हैं। देखिए चार्ट आईक्यू 7, चार्ट आईक्यू 8 और इसको चार्टिंग भी कहते हैं कुछ लोग और ट्रेडिंग व्यू। तो हम ये चार्ट आईक्यू जो है जिसको चार्टिंग भी काफी लोग कहते हैं इसको हम 8 वाले को क्लिक कर लेते हैं जो बीटा में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे अब जब भी आप किसी स्टॉक का चार्ट खोलेंगे तो वो चार्टिंग 8 या चार्ट आईक्यू 8 में जाकर के खुल जाएगा। तो जैसे कि मैं कोई एक चार्ट खोल लेता हूं जैसे कि निफ्टी 50 या कोई भी एक स्टॉक हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है। मैं फिलहाल एक बार इसका जो थीम है वो मैं डे वाली थीम लगा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। मैं सारे इंडिकेटर्स हटा लेता हूँ और बात कर लेते हैं फीचर नंबर 1 की। भाई पहला फीचर बहुत यूजफुल फीचर नंबर 1 क्या है, देखिए यहाँ आप काम कर सकते हैं कस्टम टाइम फ्रेम के अंदर। जी हाँ, देखिए जो हम टाइम फ्रेम पहले लगाया करते थे तो जो टाइम फ्रेम में टेबल देती थी उसी में हम सिलेक्ट किया करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, आप अपनी पसंद का टाइम फ्रेम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको इसी टेबल से उठाना है। देखिए नीचे आपको देखिए कस्टम का आपको दिया गया है। देखिए इस टेबल में देखिए 6 मिनट का नहीं है, 11 मिनट का नहीं है, अगर मुझे 25 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है तो नहीं है। तो ये कस्टम पे जाकर के मैं सारे काम कर सकता हूँ। जैसे कि 6 मिनट का नहीं था तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा, अभी जो कैंडल्स है सारी 6 मिनट्स की बननी स्टार्ट हो गई। देखिए 6 मिनट की कैंडल्स है। अगर मैं चाहूं तो मैं 22 मिनट का, 21 मिनट का, जो आप चाहे 125 मिनट्स भी लगा सकते हैं, 125 मिनट्स। तो ये पहला यूजफुल फीचर है टाइम फ्रेम, कस्टम टाइम फ्रेम, अपनी मर्जी का टाइम फ्रेम आप इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत जबरदस्त फीचर है। मोस्टली चार्ट्स के अंदर ये फीचर्स नहीं मिलता है और फ्री में तो कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके काम आएगा। बात कर लेते हैं फीचर नंबर 2 की। फीचर नंबर 2 क्या है, देखिए सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है शॉर्टकट्स हॉट कीज। देखिए पहले शॉर्टकट कीज नहीं हुआ करते थे, अब हमारे पास शॉर्टकट कीज आ गई है काइट वेब के अंदर। आप अपनी शॉर्टकट कीज दबाएंगे जो आपके पास कीबोर्ड है और जैसे आप उसको दबाएंगे तो देखिए डिफरेंट टाइप की चीजें आप यहां पर कर सकते हैं जो पहले नहीं हुआ करता था। बाय के लिए सिंपली बी, सेल के लिए सिंपली एस, और ये जो सारे फीचर्स है ना ये आपको एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ता था कंप्यूटर में ट्रेडिंग करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर में ये सारे फीचर्स मिलते थे। अब आप ड्राइंग टूल्स भी आ गए इसमें, हॉटकीज आ गए हैं, पैन चार्ट अप, चार्ट डाउन, चार्ट राइट, देखिए बहुत जबरदस्त शॉर्ट कीज आ गए हैं। अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके बहुत काम आएंगे, धीरे धीरे आपको इसकी हैबिट पड़ जाती है। तो ये हमारे पास सेकंड फीचर्स है शॉर्ट कीज वाला। अब एक और जबरदस्त फीचर देखिए, अब जो आप डेटा आप कलेक्ट करते हैं, भाई कई लोग ना डेटा एनालिसिस करते हैं, ओपन चाहिए, हाई चाहिए, क्लोज चाहिए, इंडिकेटर का डेटा चाहिए, तो ये जो डाटा है ये आप यही डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे, देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टेबल व्यू पे जैसे ही मैं जाता हूं ये देखिए कुछ इस तरीके का खुल गया ये। अब ये जो है आप यहां पर देखिए टाइम फ्रेम जो आपने लगाया है, देखिए मैंने यहां लगाया था 125 मिनट्स, तो ये हर 125 मिनट्स के हिसाब से ओपन, हाई, क्लोज, लो क्या है ये आपको दिखा रहा है। आप टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 5 मिनट का डाटा चाहिए तो टेबल व्यू पे जाइए, देखिए एवरी 5 मिनट में आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज बताएगा। साथ ही साथ ये बताने के साथ साथ जो इंडिकेटर आपने लगाया होगा उसकी वैल्यू भी आपको बताएगा। देखिए यहां पर मैं जाता हूं कोई भी एक इंडिकेटर ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने RSI ले लिया, मैंने RSI लगा लिया। अब वापस मैं टेबल व्यू में जाता हूं, अब देखिए RSI का भी यहां पर डाटा आपको यहां दिखाई दे रहा है। देखिए RSI की
पूरी टेबल आपको दिखाई दे रही है कि आरएसए का क्या क्या लेवल था किस किस टाइम फ्रेम के अंदर। टाइम फ्रेम आप चेंज करेंगे डाटा आपका उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। इंडिकेटर और लगाएंगे तो और इंडिकेटर्स का डाटा आ जाएगा। आप मूविंग एवरेज भी लगा देंगे तो आरएसआई मूविंग एवरेज दोनों का डाटा इसके ऊपर आ जाएगा। तो कितना जबरदस्त फीचर है आप ये देखिए। आप यहाँ पर इसको कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एडिशनल कॉलम में भी जा सकते हैं। जैसे इसमें वॉल्यूम्स आ गए हैं, प्लस चेंज वर्सेस एवरेज आ गया है, परसेंटेज चेंज आ गया, ये चीजें इसमें ऐड हो जाती है। तो मैं जैसे यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो आप एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग डाटा एनालिसिस करना पसंद करते हैं उनको काफी ये यूजफुल फीचर है, उनके काफी काम आएगा। अगर आप यहाँ पर वन डे का टाइम फ्रेम लगाएंगे, या देखिए वन डे का टाइम फ्रेम, तो अच्छा खासा डाटा आपके पास आ जाता है। ये देखिए इस डाटा का आप बखूबी यूज कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं अपने फोर्थ फीचर की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे हैं चार्ट टू बैकटेस्ट पावर्ड बाय स्ट्रीट। देखिए इसके अंदर एक और चीज ऐड हो गई है, लेकिन इस चीज के बारे में मैं डिटेलिंग नहीं दूंगा। देखिए इसमें क्या होगा कि आपने कोई अगर इंडिकेटर लगाया है चार्ट के ऊपर और आप स्ट्रीक में जाके उसकी बैकटेस्टिंग करना चाहते हैं कि ये जो इंडिकेटर है, ये जो स्ट्रेटजी है, अगर मैं यूज करता हूं तो कैसा काम करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ चार्ट पे फिलहाल आरएसआई लगाया हुआ है और यहाँ पर देखिए आपको एक सिंबल दिख रहा है ये ब्लू कलर का, जिसमें लिखा है बैकटेस्ट विद स्ट्रीक। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो स्ट्रीक पर ले जाएगा और स्ट्रीक पर एक बैकटेस्टिंग वाला खुल जाएगा। इसके अंदर एक स्ट्रेटजी देखिए बैकटेस्टिंग यहाँ पर खुल गई है ऑटोमेटिक। मैंने कौन सा चार्ट लगाया हुआ था, कैनरा बैंक का, तो उसने कैनरा बैंक के ऊपर एक बैकटेस्टिंग कर दी ऑटोमेटिक। ये बहुत डिटेलिंग में नहीं है, ये डिटेल मैं आपको बाद में दूंगा, बाकी ये फीचर्स इसके अंदर ऐड हो गया है। ये मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो के ऊपर बनाने वाला हूं। अगला दोस्तों जो फीचर आ रहा है वो है न्यू ड्रॉइंग टूल्स। कुछ ड्रॉइंग टूल्स ऐड हो गए हैं और ये जो टूल्स है ये एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें कुछ ड्रॉइंग टूल्स ऐड हो गए, जैसे कि इलियट वेव। तो इलियट वेव का भी आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसमें ऐड हो गया है। अब फिलहाल देखिए मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें ऐड हो गई है। अब इसके अंदर कैसे प्रॉपरली यूज करना है तो वो हम आपको डेडिकेटेड वीडियो में बताएंगे। जैसे कि वॉल्यूम प्रोफाइल हो गया, आप इस किसी पर्टिकुलर एरिया में वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। देखिए इस टूल्स के मदद से देखिए यहाँ पर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल्स मिल गए, तो इस पर्टिकुलर एरिया में क्या वॉल्यूम प्रोफाइल है ये आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। बहुत यूजफुल और बहुत फैंटेस्टिक मुझे लग रहा है ये फीचर। इलियट वेव और मैग्नेट वाला भी जो फीचर है वो आपको इन फ्यूचर बहुत जल्द मैं क्लियर करूंगा, डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा कि कैसे यूज आप इनको कर सकते हैं। तो बढ़िया हो गया है ये, आप इसका जरूर इस्तेमाल करिए। अगला दोस्तों जो फीचर आ रहा है वो आ रहा है टूल टिप का। अभी टूल टिप क्या है, देखिए टूल टिप के अंदर क्या होता है कि जब हम कोई डिटेल लेते हैं चार्ट के ऊपर ही कर्सर को लेकर के, तो उसमें हमें ओपन हाई लो क्लोज पता लगता है। लेकिन हम हिस्टोरिकल अगर हम वैल्यूज जानना चाहते हैं किसी इंडिकेटर की कि क्या वैल्यूज थी, वो भी आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए टूल टिप यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो टूल टिप आ गया। अब यहाँ पर देखिए मैं किसी भी कैंडल पे लेके जा रहा हूं तो यहीं पर आपको बता रहा है कि आरएसए की वैल्यू क्या थी इस पर्टिकुलर कैंडल पे, वॉल्यूम क्या था। अगर आपने कोई और इंडिकेटर भी लगा रखा है तो की पूरी डिटेलिंग आपको यहां पर दिखाई देगी। तो ये दोस्तों बड़ा यूजफुल फीचर है और ये आपके काफी काम आने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अगले टूल के बारे में। अगला दोस्तों जो टूल है वो है पिन फेवरेट टूल। देखिए अगर आपको कोई टूल फेवरेट है, जैसे कि मैंने अभी वॉल्यूम प्रोफाइल वाला जो अभी रिसेंटली एड हुआ है ये मैंने लगाया था, अगर आपको ये पसंद है, आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो आप इसको पिन कर सकते हैं। कैसे करेंगे पिन, तो यहां देखिए आप इसमें लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो जैसे आप ऐड कर देंगे ये सबसे ऊपर आ जाएगा, इसमें स्टार आ जाएगा एक। तो जो जो आपके यूजफुल वाले जो टूल्स है आप उनको पिन कर दीजिए और वो ऊपर ही दिखाई दे जाएंगे, आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ा यूजफुल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बखूबी और आपके काफी काम आएगा। अगला दोस्तों जो फीचर है फुल स्क्रीन। देखिए पहले फुल स्क्रीन नहीं हुआ करती थी, एक अलग कोई विंडो में चले जाते थे। तो यहां पर देखिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो ये यहीं पर ही फुल स्क्रीन हो गई है और यहीं से मैं इसको एग्जिट कर सकता हूं। ये देखिए यहीं फुल स्क्रीन हो गई है, मुझे किसी अलग विंडो में जाने की जरूरत नहीं है, इसी विंडो में मैं देखिए सारा काम हो गया, बढ़िया सी विंडो खुल गई है। यहीं पर आप बाय सेल वगैरह के ऑर्डर्स लगा सकते हैं, यहीं पर पूरी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, ये सारा काम आपका यहीं पर हो जाएगा। देखिए कितना यूजफुल हो गया है, राइट। तो यहां पर ये फुल स्क्रीन वाला फीचर था। लास्ट दोस्तों जो फीचर्स है न्यू इंडिकेटर्स, कुछ न्यू इंडिकेटर्स ऐड हो गए हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। अब एक एक करके मैं इनके ऊपर वीडियोस लेकर के आऊंगा
कि कौन सा इंडिकेटर किस कैलकुलेशन पे काम करता है, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से वॉच करें, तो वो बात की बात है। जो इंडिकेटर्स ऐड हुए उनके नाम मैं बता देता हूं। एक इंडिकेटर है एग्रीगेट वॉल्यूम, प्रोजेक्टेड वॉल्यूम एट टाइम, वॉलेटिलिटी प्रोजेक्शन कॉन, वॉल्यूम एवरेज क्रॉस, गूपी मल्टीपल मूविंग एवरेज, इनहेंस एंकर्ड वीवैप, ये सारे जो फीचर्स है ऐड हो गए, ये सारे इंडिकेटर्स ऐड हो गए। एक इंडिकेटर यहां पर देखते हैं, गूपी मल्टीपल मूविंग एवरेज, देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब देखिए कितनी वंडरफुल सी मूविंग एवरेज लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है बड़ा कुछ खास सा इसके अंदर, बड़ा फैंटेस्टिक टाइप का लग रहा है। तो ये क्या है, किस तरीके से काम करती है, इसके ऊपर बताएंगे। और एक इंडिकेटर और देख लेते हैं जो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, वॉलेटिलिटी प्रोजेक्शन कौन, तो वॉलेटिलिटी कौन करके यहां पर देखिए एक कौन टाइप का देखिए बन गया है। ये क्या कहना चाहता है, ये कौन क्या इंपॉर्टेंस दे रहा है आपको, कितना यूजफुल, कितना जबरदस्त सा लग रहा है ये, तो ये आपको समझाने वाले हैं आने वाली कुछ वीडियो में। तो आने वाली कुछ वीडियोस इन्हीं के ऊपर रहेगी, ये जो न्यू टूल्स आए हैं ज़ेरोधा के, जितने यूजफुल है, कितना काम कर रहे हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बताएंगे आने वाली वीडियोस में। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। और अगर आप ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, अभी तक आपने अकाउंट नहीं खुलवाया, तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, आप वहां से जाकर के अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बाकी आपको जिस ब्रोकर के पास जाना है आप उस ब्रोकर पे जाकर के अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू कोई अकाउंट खुलवाते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस, एक रुपए का भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता। आप डायरेक्ट खुलवाए ज़ेरोधा से, चाहे इस लिंक के थ्रू खुलवाए, सेम चार्जेस रहते हैं। प्लस आपको बेनिफिट ये रहता है कि हमें पता लग जाता है कि आपने हमारे थ्रू अकाउंट खुलवाया। प्लस इन फ्यूचर हम कुछ आपके लिए लेकर आते हैं, फैसिलिटीज लेकर आते हैं, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे को दिए हुए हम उसको कर सकते हैं। प्लस जो आपका अकाउंट होता है उसमें दो तरीके की सिक्योरनेस हो जाती है, तो ज़ेरोधा खुद कर रहे हैं, दूसरी हमारी तरफ से थोड़ा सा प्रेशर रहता है ज़ेरोधा का कि जिन क्लाइंट्स ने हमारे थ्रू अकाउंट खुलवाया है उनको अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो हम पीछे से फोर्स आउट करते हैं कि वो परेशानी एज सून एज पॉसिबल शॉर्ट आउट की जाए। तो ये दोस्तों बेनिफिट, बाकी आपका जो मन करे, देखिए सुने सबकी, करे अपने मन की, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है वही आपको हमेशा करना चाहिए। तो ये दोस्तों आज की वीडियो में, मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ये जितने टूल्स नए इंडिकेटर्स आए हैं इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो एक एक करके लेकर के आएंगे। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, ख्याल रखिए, अच्छे से रही है और साफ सफाई का ध्यान रखिए अपने आसपास। मैं जल्दी मिलता हूं, बाय बाय।